आदरणीय BRMGSS के सेरो, पिछली बार जब मैं मनोरंजन जी से मिला था तो उन्होंने एक दिल छू लेने वाली बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं अकेला लड़का यूनियन के लिए संघर्ष करते करते बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग जो काम सौंपा जाता है वो काम को सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। ये बात मुझे छू लिया था। क्या काम उन्होंने हमारे यूनियन के मजदूरों को, सरदारों को, एंसिलरी को और मुंशी को सौंप रखे हैं? एक ही काम उन्होंने सौंप रखा है कि प्रत्येक व्यक्ति का लिंक होना चाहिए। लिंक का मतलब है कि आपका श्रम कार्ड और QR कार्ड का प्रोफाइल मैचिंग कर रहा है अथवा नहीं, या दूसरी रूप में इसे देखें, क्या आपका QR कार्ड डुप्लीकेट है अथवा असली है, इसकी जांच हो रही है। क्या श्रम कार्ड जो आप बनाए हैं वायर हाउस वर्कर के रूप में बनाए हैं या किसी और जगह के लिए आपने अपने श्रम कार्ड में रजिस्टर्ड कर रखा है, इत्यादि का चेक हो रहा है। लिंक का मकसद यही है। और हमारे यूनियन के लोग अगर लिंक कराने में ही अक्षम हो रहे हैं तो कल के डेट में जब हम रेलवे में जाएंगे तो लिंक कराने से भी बड़े बड़े काम हमें मिलेंगे, उसे नहीं कर पाएंगे। हम छोटे छोटे काम को करने में अक्षम हैं तो कल बड़ा काम करना पड़ेगा रेलवे के अंदर घुसने के बाद, कैसे आप कर पाइएगा? इसलिए प्रत्येक मजदूरों का, सरदारों का, मुंशियों का, एंसिलरीज का और लीडर्स का दायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रत्येक मजदूर जो 1998 से लेके अभी तक BRMGSS से जुड़ा है उनका वेरीफाई करा लें, QR कार्ड और श्रम कार्ड का वेरिफिकेशन करा लें, करवा दें, जैसा भी करवाएं लेकिन करवाएं। मैंने इस वीडियो में दो रास्ते बताए हैं कि अपना QR कार्ड का लिंक कैसे किया जाता है। इसे ध्यान से सुने, समझें और आपको जैसा उचित लगता है उस हिसाब से अपने QR कार्ड का लिंक करा लें। अगर QR कार्ड का लिंक नहीं होगा तो याद रखिए आपके आने वाला पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगा। और साथ ही साथ आपको, क्योंकि प्रॉब्लम होंगे ज्वाइनिंग के समय, प्रॉब्लम होंगे। मनोरंजन जी तो दिन और रात दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं, एक कानूनी तरीके से वो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। इस वीडियो में आप आगे देखिएगा कि क्या कर रहे हैं और हमारा ज्वाइनिंग क्यों विलंब हो रहा है, उसकी समझ इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको लगेगा। जो लोग कानून के, क्योंकि हमारे यूनियन में कानून की पढ़ाई किए हुए लोग बहुत कम हैं, कोई भी कानून बनता है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। कुछ लोग मजाक कर रहे हैं BRMGS का और BRMGS के लीडर्स का, ये बड़ा दुखद है। आप खुद क्यों नहीं इनिशिएटिव लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग करा लेते? क्योंकि कानूनी तरीके से कोई भी काम को करने में थोड़ा सा विलंब लगता है। जैसे कि मैं कल बता रहा था कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन 1950 में संविधान आया। क्यों 3 साल क्यों लग गए? 15 अगस्त 1947 जिस दिन आज़ाद हुआ उसी दिन हम लोग का संविधान को लागू करना चाहिए था, क्यों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ? वही बात आज हमारे यूनियन में लागू होता है। हम जीत चुके हैं, हमारे हाथ में अभी कानून की किताब है, कानून की किताब हमें सौंप दी गई है कि BRMGSS के माध्यम से जितने भी माल गोदाम है उसका संचालन कैसे करना है इत्यादि हमें मिल चुका है, लेकिन उसे संचालन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी कर रहे हैं हमारे मनोरंजन जी। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप सो रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं खाली, बेशरम की भी हद होती है। और उंगलियां उठाना बंद करें। अगर जो लोग उंगली उठाते हैं ग्रुप में, मैं बता दे रहा हूं ग्रुप में या यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में, आप लोग उंगलियां जो भी उठाता है उनके विरुद्ध मैं उनका सूची बना रहा हूं और बहुत जल्दी मैं इसको अपर लीडर को फॉरवर्ड करने जा रहा हूं, क्योंकि आप लोग यूनियन को कमजोर कर रहे हैं, यूनियन के आत्मा को कमजोर कर रहे हैं। और यूनियन शेरों का, शेर दिल रखने वाला लोगों का यूनियन है, यहां पर गुंडागिर्दी वाले लोगों का स्थान नहीं है। तो आगे सुने कि क्या वजह है जो विलंब हो रहे हैं, और मनोरंजन जी अगर लगे हैं अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, अरुण कुमार जी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, तो वर्तमान समय में इस महीना जिसे हम मार्च के महीना कहते हैं, मार्च अप्रैल तक हमें हर एक मजदूर को क्या करना चाहिए, इस वीडियो में मैं समझाने की कोशिश किया हूं। इसे जो समझ गया उसका बेड़ा पार लग जाएगा और जो नहीं समझा वो हमेशा जैसा सुअर कीचड़ में पड़ा रहता है वैसा ही पड़ा रह जाएगा। आगे सुने। पहला स्टेप में ऑफिस है, जब तक ऑफिस बन के तैयार नहीं होगा, एक मुख्यालय होता है, फिर उसके बाद हर एक स्टेट में जगह जगह ऑफिस होता है हर विभाग का,
तो उस रूप में अगर इंफ्रा तैयार नहीं करेंगे तब तक ज्वाइन ही कैसे होगा बताइए। अब क्योंकि आरआरबी तो हाथ हाथ साफ कर दिया कि हम लोग ज्वाइन नहीं कर सकते, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड या रेलवे मंत्रालय ने हाथ साफ कर दिया, हम लोग नहीं कर सकते, हम आपको कानून दे दे रहे हैं, आप उसके उसके तहत अपना इंफ्रा खुद तैयार करिए और खुद तैयार करके अपॉइंटमेंट खुद करिए। किसको बोले हैं? हमारे यूनियन के लोगों को बोले। अच्छा, तो उसके लिए अब एक ग्राउंड बनाया जा रहा है ना, ग्राउंड एक तरह से इंफ्रा बनाया जा रहा है, तो इंफ्रा बन के रेडी होगा तब ना। बहुत सारा बारीकी चीजों को हमारे यूनियन के लोग नहीं समझते, तो इसी को समझाना है। मान लीजिए कि इसको ऐसा समझिए कि हमारे स्टेट हमारे जिला में अगर कलेक्टोरिएट नहीं होगा तो ब्लॉक, कलेक्टोरिएट के बाद ब्लॉक आता है ना, ब्लॉक के बाद पंचायत आता है। तो अगर कलेक्टोरिएट ही नहीं होगा तो फिर ब्लॉक का ब्लॉक कैसे होगा या पंचायत कैसे होगा? उसी तरह एक शुरुआत अभी हम लोग शुरू कर दिए। मनोरंजन जी बार बार दिल्ली जा रहे हैं, वजह यही है कि हम लोग सबसे पहले एक सबसे बड़ा ऑफिस जो हमारा होगा वो दिल्ली में होगा, जो कि हमारा सेक्रेटेरिएट होगा, एक तरह से सेक्रेटेरिएट हुआ वो, जहां पर हम लोग का चेयरमैन जो भी बनेंगे वो बैठेंगे, और उसके माध्यम से जितने रेलवे माल गोदाम है भारत के जी, उसका उसमें जो काम होते हैं उसको उसको उसका उसका दिशा निर्देश वहीं से दिया जाएगा, वहीं से वेतन हम लोग को मिलेगा और बहुत कुछ है जी सर। तो सबसे पहले उसको करना है, उसको करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी हम लोग को क्या करना है, वो तो मनोरंजन जी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को क्या करना है, हमारे यूनियन के लीडर्स को क्या करना है या मजदूरों को क्या करना है अभी के समय में? अभी ये बात नहीं करना कि हम लोग का ज्वाइनिंग कब होगा, अभी हम लोग को ये बात करना है कि कितने लोगों का लिंक हुआ, कितने लोग छूट रहे हैं हमारे यूनियन से, जितने लोग जुड़े हैं क्या सबका लिंक हो चुका है, सबका डाटा सब प्रोफाइल सब अपडेट हुआ कि नहीं हुआ जी। ये चर्चा करिए ताकि जल्दी से जल्दी सभी लोगों का डाटा अपडेट हो जाए, ताकि जब आप लोग का जो सेक्रेटेरिएट बन रहा है जिस दिन बन के रेडी होगा और भारत सरकार का होगा, यूनियन का नहीं होगा, भारत सरकार में हम लोग घुस जाएंगे जी। और वहां पर ऑफिस में हम लोग भारत सरकार का लोग हो जाएंगे, तो उसको फंक्शन करने से पहले हमारा जो काम पेंडिंग है उसको फोकस करके जल्दी से जल्दी जो लिंक वाला बात हो रहा है अभी, लिंक वाला बात लिंक को पूरा करना है। लिंक करने का दो तरीका है, पहला तरीका है आपके लीडर के, लीडर जो है जो डाटा कलेक्ट करके रखा है वो 14-14 लोगों का सूची बना के मनोरंजन जी को सौंप रहे हैं, या नहीं सौंपे हैं तो उसको सौंपने के लिए दबाव दीजिए। पहला लिंक करने का तरीका। दूसरा तरीका है कि अगर आपका लीडर जमा नहीं कर रहा है तो आप मुझे डायरेक्ट भेजिए, मैं मनोरंजन जी को फॉरवर्ड करूंगा, आपका QR कार्ड श्रम कार्ड बना हुआ है, ये दोनों को भेजना है, और उसके बाद उस लीडर का नाम भेजना है, उसका मोबाइल नंबर भेजना है, अगर उसको पैसा उसा दिया है तो वो भी लिख के मुझे भेजना है, पेपर पे, सादा पेपर पे लिख के भेजना है जी सर, और भेज दीजिएगा तो मैं मनोरंजन को दूंगा, ये देखिए ये बदलों का अभी तक लिंक नहीं हुआ, इसको को क्या करूं, और मैं रिक्वेस्ट ही ना कर सकता हूं जी सर। और यहां से लिंक हो जाएगा, फास्ट होगा काम, जल्दी होगा काम, है ना। अभी हम लोग को फास्ट काम करना है, मनोरंजन जी अपना काम कर रहे हैं, मैं मीडिया के थ्रू अपना काम कर रहा हूं, हर एक मजदूर अपना अपना काम करे, एक मजदूर का दायित्व तो लेना लिंक कराने के लिए, एक एक मजदूर का दायित्व तो ले, जिसका हो गया वो तो एकदम वहां पर मस्त है, क्या कहेंगे, बड़ा खुशी मना रहा है, ऐसा नहीं होता है। जिसका लिंक हो गया और बाकी सबका लिंक नहीं हुआ वो लोग क्या करेगा, वो तो सब जाएगी सर, यूनियन है मजदूरों का, सभी का दर्द को, एक एक मजदूरों का दर्द को हम लोग को समझना है जी सर। कुछ लोगों का लिंक हुआ और कुछ लोगों का नहीं हुआ, ये तो यूनियन में ही ना अन्याय हो रहा है, लोग नहीं समझेगा, यूनियन में ही अन्याय हो रहा है, जिसे नहीं समझेगा जी सर, जिस यूनियन में मजदूर लोग बेचारा लोग जी सर 1998 से लेके अभी तक संभाल के रखा है यूनियन को, और बहुत सारे लोगों का लिंक नहीं होगा तो ये बहुत बड़ा विडंबना और दुखद होगा। तो हर एक व्यक्ति का जो BRMGS से जुड़े हुए हैं तो एक दूसरे को मैसेज कर दे कि मनोरंजन जी अपना काम कर रहे हैं, मीडिया प्रभारी अपना काम कर रहे हैं, हम लोगों को भी एक एक को मिलके समझा के उन लोगों का QR कार्ड को आइजक सर के माध्यम से हो, चाहे हम आपके लीडर के माध्यम से हो, किसी तरह करके लिंक करा दीजिए। लिंक कराने का मतलब ये हुआ कि आपका QR कार्ड और श्रम कार्ड मैचिंग कर रहा है कि नहीं, क्योंकि मनोरंजन जी के पास तो QR कार्ड तो ऑलरेडी है उनके पास, लेकिन श्रम कार्ड तो नहीं ना है उनके पास, नहीं सर जी। हाँ तो श्रम कार्ड भेजिएगा तब ना, दोनों को देखेंगे हम लोग, चेक करेंगे कि सही में श्रम कार्ड और QR कार्ड दोनों एक ही व्यक्ति का है जी सर, तो उसको एकदम जिम्मेदारी के साथ ये मत कहिएगा कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, ये छोटा सा काम भी नहीं कर सकते, फिर कल रेलवे में जाइएगा तो कैसे करिएगा, बड़ा बड़ा काम आएगा वो जी सर। अभी लिंक नहीं करवा पा रहे हैं तो कल के डेट में रेलवे में जाके क्या करिएगा,
सर जी ये लिंक सर जी कहाँ पे करवाना पड़ेगा? मुझे सीधा भेजिए, अभी कोई केवल और केवल मनोरंजन जी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा सर। और कोई लीडर नहीं कर सकता, ना दिगम्बर प्रसाद ना और भी है राष्ट्रीय प्रभारी, प्रभारी बड़ा बड़ा प्रभारी राष्ट्रपति सब है हमारे यूनियन में जी, वो लोग नहीं कर रहे, सिर्फ मनोरंजन जी कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर जी, तो सर जी ये जो कार्ड लेबर कार्ड है या श्रम कार्ड, ये दोनों मतलब? हाँ दोनों लिंक कराना है, लिंक करा के भेज दें। हाँ दोनों को, दोनों का नंबर लिख लीजिएगा, उस ऊपर में नंबर होता है क्यूआर कार्ड में, देखिएगा नंबर होता है जी, वो नंबर को लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा पहले, फिर वो नंबर लिखिएगा। अच्छा सर जी। वो मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, वो वाला मोबाइल नंबर जो उससे लिंक है जी। फिर उसके बाद श्रम कार्ड का नंबर लिखिएगा, और उसके बाद वो जो श्रम कार्ड से लिंक है वो नंबर लिख दीजिएगा, फिर लीडर का नाम लिखिएगा जी सर, उसका मोबाइल नंबर लिखिएगा, और उसको अगर पैसा दिए है तो वो कितना पैसा दिए है वो लिख के और अपना नाम लिख के मुझे फॉरवर्ड करते जाइए। देखिए कैसे काम नहीं होता, एकदम बुलेट ट्रेन की तरह काम होगा, लीडर लोग देखते रह जाएगा, लीडर लोग लापरवाही कर रहे हैं, लीडर लोग देखते रह जाएगा, और एक छोटा से छोटा मजदूर अपना लिंक करा के अपना काम निकाल के निकल जाएगा। मेरा मीडिया, अरे मेरा मीडिया का साथ दीजिए ना, देखिए कैसे काम नहीं होता। अब सर जी अब है तो आप ही सब मेरा हम लोगों का दर्द समझने वाले सहारा है सर जी, भाई बाप की तरह, और यहाँ पे लीडर के देख रहे हैं काफी अन्याय कर रहे हैं सर जी, लेबर के साथ जो है ना सही से कोई चीज बता रहे हैं ना, मतलब सिर्फ पैसे की डिमांड करते हैं लेकिन कोई चीज बताते नहीं है कि हाँ इसको इस तरह से किया जाएगा, इसको इस तरह से हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम ही लोग करा सकते हैं अपना। आप ही लोग करा सकते हैं, वो नहीं ला रहा है तो आप देखते रहिएगा क्या, जैसे आपके आपका मान लीजिए बाल बच्चे बीमार है जी, तो आप एक डॉक्टर नहीं सक रहा है तो मतलब इलाज करने नहीं सक रहा है तो आप देखते रहिएगा उस डॉक्टर को जी, दूसरी जगह ले, दूसरा जगह नहीं ले जाइए जी सर, इसमें तो लॉजिक के साथ काम करिए, अगर लीडर नहीं कर रहा है तो एक दूसरा डॉक्टर जिसका नाम, मेरा नाम डॉक्टर आइजक है, मैं इलाज कर दूंगा। ठीक है सर जी, बस इतना आप बहुत बड़ी कृपा सर जी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर जी, बस वही आज मैं कल एक चैनल पे देख रहा था सर जी, वो प्राइवेट भर्ती के लिए, तो वही कल से बहुत टेंशन हुआ, हम कहे हम लोगों का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इधर हाँ। भर्ती दिखा रहे हैं प्राइवेट फाइव वो था का नहीं, और चैनल को मत देखा कीजिए नहीं तो हम लोग नहीं सर जी देखना बंद कर दिया सर जी, सिर्फ आपका जो है आप समझ में आ गया कि हमारे सर जी ठीक से हर चीज जितने ढंग से आप समझा रहे हैं सर जी, इतना कोई नहीं मतलब चैनल पे ना दिखा ना वैसे मिला भी कोई लीडर तक अभी। ठीक है, सबको खबर कर दीजिए, मैं ऑडियो को आपको भेज दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर, इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा लोगों जी सर, अपने ग्रुप में सर जी जहाँ जहाँ जो है हाँ, सबको पास पहुँचा दे रहे हैं। ठीक 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 सर जी, नमस्ते। नमस्ते, हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं जितेंद्र बात कर रहा था जी। जितेंद्र जी बोलिए। मैं बोल रहा था सर, हमें लिंक करवाना था। लीडर क्या बोल रहे? अरे लीडर तो टाइम पे देने पे है, मतलब टाइम से टाइम देने पे है, पहले 10 जनवरी था, फिर फरवरी आ गया, मार्च में चल रही है। अरे सर आपने वीडियो डाला था, आप मीटिंग भी करवाए थे, तो आप मनोरंजन सर क्या बोले थे? बोले ना जिनका जिनका लिंक नहीं हुआ उनका डाटा को मंगाइए ना। तो सर जैसे हम, चलो मैं मानता हूँ सर, जैसे आप हमारा लिंक कराते थे ठीक है सर, हम आपको पैसे भी देते थे, लेकिन उसके बाद सर अगर फिर आपको बढ़ जाए साल महीना छह महीना ज्वाइनिंग के लिए, फिर कैसा होगा? साल का हेल्प पड़ेगा यार, जब हम लोग का सब चीज हो गया है तो कहे पड़ेगा साल ना, जैसे कभी छह महीने और आगे बढ़ जाए, 3 महीने, 2 महीने। ये आप पर है, अभी देख रहे हैं लिंक के लिए आप तड़प रहे, उसी तरह हजारों लोग तड़प रहा है, हजारों कॉल आता है मेरे पास जी। अब सबका लिंक नहीं होगा तो कैसे ज्वाइनिंग शुरू होगा? कैसे ज्वाइनिंग होगा? सही बात सर। अबे लिंक का मतलब समझ रहे हैं? अभी भाई और एक वीडियो डालो कि देखिए, मनोरंजन जी के पास तो ऑलरेडी क्यूआर कार्ड आपका है, उसका जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप भेजिएगा, लेकिन श्रम कार्ड तो नहीं ना है उसके पास जी। जी जी, दोनों का लिंक हो रहा है, तो श्रम कार्ड आप अगर मनोरंजन जी के पास नहीं आएगा तो लिंक कैसे होगा? ऐसे होगा, इसलिए अगर लीडर नहीं कर रहा है तो आप डायरेक्ट मनोरंजन जी से करवाइए, मेरे थ्रू जाना पड़ेगा, क्योंकि मनोरंजन तो फोन उठाएंगे नहीं आप लोग का जी। जी हमें सर, मुझे डाटा कलेक्ट करके उनको सौंप देना है, देखिए ये उत्तर प्रदेश के व्यक्ति लोग हैं, इतने लोग हैं, इन लोगों का अभी तक लिंक नहीं हुआ, अब आपको क्या करना है कर दीजिए, मैं इतना रिक्वेस्ट तो कर सकता हूँ ना। तो सर आपको तो ज्वाइनिंग का टाइम दिया होगा उन्होंने, या डेट वेट तो दी होगी सर? 3-4 महीने का टाइम दे दीजिए बोले, क्योंकि अभी बोर्ड का गठन हो रहा है, बोर्ड गठन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अच्छा 3-4 महीने और लगेंगे? 2-3 महीना। अच्छा 2-3 महीना वहाँ लग जाएगा, क्योंकि बोर्ड का गठन और लिंक, ये दो चीज हम लोग का पेंडिंग है। तो सर लेटर लोग तो सर अप्रैल में बोल रहे हैं कि अप्रैल में ज्वाइन सब काम हो जाएगा। हाँ शुरुआत हो सकता है अप्रैल में, क्योंकि बोर्ड का गठन जैसे ही होगा तो सबसे पहला ज्वाइनिंग जो होगा वो बोर्ड में होगा, बोर्ड में कर्मचारी लोगों का जरूरत होगा जी। जी तो बोर्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो जल्दी से लिंक करा के बोर्ड में घुस जाइए। बोर्ड कहाँ बनना है सर? दिल्ली
दिल्ली में बन रहा है। अच्छा, तो सर आपको 2-3 महीने का टाइम दिया सर जी। नहीं, आप लॉजिक लगाइए ना, जब तक एक टाइम तो लगेगा, अंदाजा लगाइए ना कि बोर्ड कितना दिन में बन सकता है, लिंक का काम कितना दिन में पूरा हो सकता है। इसको अगर आप अंदाज लगाइएगा ना तो अपने पता चल जाएगा कि कितना दिन लग सकता है। हाँ, मनोरंजन तो बोले हैं 2-3 महीना के अंदर कंप्लीट करना है हम लोगों को हर हाल में, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। जी जी, तो सर अभी डेट ना दी होगी कि इस डेट से ज्वाइनिंग शुरू है। नहीं, इसमें एक्यूरेट डेट हम लोग नहीं दे सकते, ना भारत सरकार दे सकती है, ना रेलवे RRB दे सकती है, ना मनोरंजन जी दे सकते हैं, ना तो कोई लीडर नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि कानूनी तरीके से अभी कामकाज शुरू हो गया है हम लोगों का। जब कोई चीज का कानून बन जाता है ना तो उसको सिस्टमेटिक ढंग से पूरा किया जाता है। जी जी जी, वो जैसा तैसा कर अभी RRB तो हाथ धो दिया, यहाँ हम तो नियुक्ति नहीं कर सकते। रेलवे बोर्ड भी, रेलवे मंत्रालय भी हाथ साफ कर दिया, हम लोग नहीं कर सकते। आपको खुद से ज्वाइनिंग खुद करवाना है, और उन्होंने बोर्ड बोर्ड का गठन करने का निर्देश दे दिया रेलवे ने। अब हम लोग को अपना बोर्ड खुद बनाना है जी। अब खुद बनाने में टाइम नहीं लगेगा जी जी जी। ये सब बारीकी बात को नहीं समझता है हमारे यूनियन के लोग। खाली क्या कहेंगे, देखिए इतना साल वेट किए और थोड़ा सा 1-2 महीना 3 महीना वेट करने में क्या है जी जी जी। नहीं तो सबको लगना पड़ेगा, चलिए ईटा ईटा लेके जाते हैं, नया बोर्ड बनाते, भारत सरकार से डिमांड करते हैं हम लोग को जगह दे दीजिए, हम लोग एक एक ईटा हर मजदूर ले जाएंगे, 12 लाख मजदूर है, 12 लाख ईटा चला जाएगा, ऐसी बिल्डिंग बन जाएगा, बोर्ड रेडी हो जाएगा जी। अच्छा सर, लिंक होने कितने बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी, समथिंग समथिंग 1-2 महीना का टाइम दीजिए, मैं बोल रहा हूँ ना, टाइम दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि अकेला लड़का मनोरंजन जी बेचारा लगे हुए और अभी बहुत क्रूशियल समय है, जल्दी से जल्दी वो तो कर ही रहे हैं। मैं उसका चेहरा देख के और उनका टेंशन देख के बीते मीटिंग में बहुत टेंशन रहते हैं कि जल्दी से जल्दी करना है। उन जो आदमी रात को भी नहीं सोता हो लोगों के लिए, लोगों के भलाई के लिए, मैंने उसमें देखा है मनोरंजन जी के ऊपर, तो कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो हम बोर्ड का गठन कर, ठीक है, वो लगे हुए जी, जी। सर तो वैसे ज्वाइनिंग तो होनी है सरकार से, वो सब चीज मिल गया होगा, सब चीज मिल गया है सब चीज, और आप लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आपने वो कर दिखाया है 1998 से लेकर अभी तक, आप लोग तो शायद नए होंगे, यंग लड़का लोग हैं जी, जो लोग 1998 से लड़ते जो आ रहे थे, 2023 में हम लोगों का हर चीज, वो पूरा पूरा मांग को भारत सरकार ने कानूनी दर्जा देके मानकर हमारे हाथ में थमा दिया है। अब आपको कैसे चलाना है रेलवे माल गोदाम को, आप समझिए, ऐसी बात हो गई है आप, ठीक है। और इसको एकदम दिल से लेके जो भी काम हमारे पेंडिंग अभी बचा है उस चीज को पूरा करना होगा। हमारा काम क्या है, अभी हर एक मजदूर को सूचना देना है कि भैया आप किसी तरह लिंक करवा लीजिए जी, अगर लिंक एक आदमी का भी छूट गया तो ज्वाइनिंग के समय दिक्कत हो जाएगा जी, आंदोलन हो जाएगा, हमारे यूनियन में ही आंदोलन हो जाएगा जी जी, जी। इसलिए कोई ये बहाना तो नहीं ना करेगा कि हम लोग को सूचना ही नहीं दिया गया, लिंक कराने का सूचना ही नहीं दिया गया। नहीं नहीं, सही बात है। इसलिए मैं वीडियो बना बना के डाल रहा हूँ, लिंक हर हाल में करवा ले सब लोग, जब तक बोर्ड बन के रेडी हो रहा है तो उससे पहले, जैसे ही बोर्ड, उससे पहले सब लिंक कर ले, बोर्ड बन गया तो ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो सर बोर्ड का काम चल रहा होगा, बन गया है या नहीं बना? बन गया, हम लोग को जगह मिल गया है, सब मिल गया है, केवल उसमें नियुक्ति नियुक्ति होगा ना, सबसे पहला ज्वाइनिंग तो वहीं पर होगा, माल गोदाम से पहले ज्वाइनिंग वहां होगा, फिर उसके बाद माल गोदामों में हमारा जो सेक्रेटेरिएट कहिए या रेलवे बोर्ड कहिए, उसके माध्यम से बाकी जगह में ज्वाइनिंग स्टार्ट होगा। सर बोर्ड बन गया है? बन गया। अच्छा, तो अप्रैल बन गया मतलब बिल्डिंग बन गया है, उसमें कानूनी तरीके से चेयरमैन का नियुक्ति अभी नहीं हुआ है, वाइस चेयरमैन का नियुक्ति नहीं हुआ है, वहां का कर्मचारी लोग का नियुक्ति नहीं हुआ है, वो बाकी रह गया है, तो वो नियुक्ति वाला जो टाइम है ना वो बहुत जल्दी आने वाला है, मुझे हो सकता है इसी महीना कर दे, हो सकता है अप्रैल में कर दे जी, स्टार्ट हो जाएगा, वहां से शुरू होगा, याद रखिएगा जी जी। ठीक सर, धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।